नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो जिंजो टीवी। तो गाइस, नया जो स्किन M1887 इसका आ चुका है, ठीक है, ये देख सकते हो। तो जेनुइन बात है कि हम लोग इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मेरे पास 300 डायमंड है और उससे हम लोग स्पिन करने वाले हैं। लेकिन हम लोग व्यू प्राइजेस में से जो कुछ है सब लोग देख लेंगे। सब कुछ आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, 300 डायमंड में ये मिलने से रहा है, ठीक है। और मैं एक बॉट आईडी, न्यू आईडी में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि अगर ये फीमेल बंडल तक मिल जाए तो भी बढ़िया है, ठीक है, और मेल बंडल निकल गया तो बहुत ही बढ़िया होगा। और ये जो बैकपैक है ये मेरे मेन अकाउंट में है और ये सरबोट खैर नहीं है, तो मैं विश कर रहा हूँ कि होप कर रहा हूँ कि ये सरबोट तो निकल ही जाएगा, ठीक है, बाकी फीमेल बंडल तक निकल जाए, ठीक है। आप देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग, आप में से बहुत से लोग इसको स्पिन करने की कोशिश जरूर करोगे, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर आखिर तक। जो भी लोग चैनल पे न्यू हो, बिल्कुल नए आए हो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल बटन उसको दबा के रखो। सवाल जवाब तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। 3K के बहुत करीब है, 40 सब्सक्राइबर, क्या दिवाली तक हम लोग 3K हिट कर पाएंगे वही देखेंगे, ठीक है। और इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो लोग शॉर्ट्स एक्सेस करते हैं तो उन लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग ये क्रेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा जो मतलब दुकान क्रेट है वो सब है, तो वो सब बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले असली जो चीज़ हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, हम लोग एक 5 स्पिन लगाएंगे और उससे जो 5 आइटम निकलेंगे वो जो बाकी के जो बचे कुछ आइटम है उससे लेके 1 स्पिन करेंगे और ऐसा सफल करते करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 90 स्पिन बैक टू बैक नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो 5 स्पिन से शुरुआत करते हैं, डोंट रिमाइंड मी अगेन, चलो लगा देते हैं, ठीक है। जेन्युइन बात है कि पहला ये मिल ही जाता है, ठीक है, पहला ये मिल ही जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, पहला आपको मिल ही जाएंगे। और ये जो 3 आइटम है, 3 जो बेकार का आइटम है, तो ये सबका हम लोग एक्सचेंज कर देंगे और ये वाला नहीं मिलेंगे, मुझे गारंटी के साथ मालूम है, ठीक है, जेन्युइन बात है। तो चलो अभी जो 90 का है, 90 का 1 स्पिन लगा देंगे, ठीक है, एक और दूसरा वाला भी मिल जाएगा, मैंने आपको जैसा प्रेडिक्ट किया था आप देख सकते हो एज़ यूजुअल, ठीक है। हम लोग अभी सीधा बैकपैक में जाएंगे, बैकपैक में जो 3 3 आइटम है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे एक एक ड्रॉ लगाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, चलो नहीं मिला, ठीक है, एज़ यूजुअल, ओके। अभी ये जो बाकी के जो 3 आइटम है हम लोग ये सब लगा देंगे। क्या हमें फीमेल बंडल मिल सकता है? आई थिंक नहीं, मुझे लगता है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो लास्ट 90 का जो स्पिन है गाइस, चलो लगा देते हैं, क्या हमें मिल सकता है? ओके गाइस, फीमेल बंडल मिल गया, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है, चलो हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं। हम जो टारगेट किए थे 10 रुपये में काफ़ी अच्छी चीज़ मिले, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 10 रुपये में अच्छी चीज़ मिले। तो अभी एक 20 का स्पिन लगा देंगे, चलो मेल बंडल मिलते मिलते रह गया, ठीक है। ये ट्रिक है कि ओ मिलने वाला था, चलो थोड़ा और स्पिन करते हैं, ये बिल्कुल ट्रिक है, इस झांसे में मत आइए, ठीक है, ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूँ, ये नहीं मिलेंगे। तो चलो एक एक स्पिन लगा देंगे, क्योंकि बंडल तो अब निकलने से रहा है, तो बाकी जो चीज़ है वो सब हम लोग सीधा स्पिन लगा देंगे, ठीक है, गन क्रेट हम लोग लेंगे नहीं, चलो ठीक है, ये लो एज यूजल, बेकार से आइटम ही आएंगे, ठीक है। मेल बंडल नहीं निकलेंगे ये मैं अच्छे से जानता हूँ, चलो हम लोग लगा देते हैं, बाकी जो 2 आइटम आएंगे वो सब हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, ये लीजिए एक्सचेंज कर लेंगे इसको, ठीक है, हम लोग सीधा इसको वॉल्ट में भेजेंगे, वॉल्ट में क्लेम टू वॉल्ट, चलो अभी इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। तो हो गया, तो अभी जो जो चीज़ें हैं ये सब हम लोग ओके करके क्लेम कर लेते हैं, ठीक है, इस आईडी में एटलीस्ट कुछ तो आया, ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया, ठीक है। फीमेल बंडल बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया बंडल है, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा बंडल है। तो हम लोग इसको थोड़ा रिव्यू करके देखेंगे स्टेफी के ऊपर, और हम लोग एक काम करते हैं, फेटेड व्हील में है हम लोग, 10 डायमंड का एक्सपीरियंस लगा ही देते हैं, चलो लेट्स गो। चलो ये बेकार का आइटम ही निकलेगा, डायमंड रॉयल वाउचर दे दें, हाँ वही दे दे, हाँ परफेक्ट, खैर कोई बात नहीं, 9 डायमंड देखे 10 डायमंड का आइटम मिला, जो कि अच्छी बात है। तो हम लोग जो चीज़ चेक करने वाले हैं, सबसे पहले जो क्रेट्स है ये सब जो है ना, ये सब हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। परमानेंट कुछ निकलता नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर निकलता है, बहुत ही किस्मत अगर अच्छा होगा आपका तो ये जाके निकलेगा। ये स्कार्ड तो खैर मेरे पास अभी तक नहीं है, जबकि ये बहुत ही पुराना एक क्रेट है, उसमें से परमानेंट तो कुछ मिला, ओ एसकेस मिला शायद, शायद एसकेस परमानेंट मिला, ठीक है, चलो एक आइटम मिला, चलो कोई बात नहीं। ओके बंडल इसमें चलते हैं, ठीक है, ये है बंडल, हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको इक्विप लगा देते हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी बढ़िया बंडल है। हम इसके साथ ना ये जो बैकपैक है इसको इक्विप लगा देते हैं, ठीक है, ये देखिए बैकपैक, हम लोग इसको इक्विप लगा देते हैं, डिस्प्ले इन लॉबी एंड सीएस मोड, देखिए ये बैकपैक के साथ ये काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा लग रहा है, ठीक है, धासु बैकपैक है, ठीक है। और क्या है भाई, और क्या है, और कुछ मिला था क्या हमें? और सरबोट मिला था, आप लोग सरबोट देख लीजिए, ये देखिए सरबोट बुरा नहीं है, काफ़ी बढ़िया है सरबोट, ठीक है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है और ये बंडल के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा। तो बंडल तो खैर मिल चुका है, 10 रुपये में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिले हैं। हम लोग वेपन्स में जाके देखते हैं कि वेपन्स में क्या है, ठीक है, यह ड्रैगन ऑफ तो खैर परमानेंट मिला नहीं, इस केस में शायद कुछ मिला था, शायद मार्क्समैन राइफल, आई थिंक, हाँ मार्क्समैन राइफल,
ये इसके परमानेंट मिल गया जो कि एक कर देते हैं हम लोग। तो गाइज ये था किस्सा। अब मैं आपको एक चीज़ एक दो चीज़ बता देता हूँ। ये यहाँ पे पहुँचने के लिए मिनिमम 800 डायमंड आपके पास होने चाहिए, मिनिमम 800 डायमंड, ठीक है। ये जो गाने ये मिनिमम 800 डायमंड, ओके। और ये मेल बंडल 500-600 डायमंड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 500-600 डायमंड के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिनिमम 800 डायमंड और मैक्सिमम 2500, ठीक है, मैक्सिमम 2500। तो खैर आप ही खुद सोचो कि पूरा साल का खाना वाना हो जाएगा आपका, मतलब फुकट का, मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब कुछ हो जाएगा। और क्या पता इतना सारा जो गान निकाले हैं शायद ये सब में से कोई एक शायद फ्री में दे दे, ठीक है, तब शायद आप इसको पिकअप कर सकते हो। तो आपकी मर्जी बाकी, ठीक है। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, सवाल जवाब तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।